अगर सेक्शन सिक्स टू इलेवन के रिक्विजिट पूरे हैं किसी भी रिक्विजिट का किसी भी असेंशियल की वायोलेशन या ब्रीच नहीं है तो वो अडॉप्शन परफेक्टली वैलिड है क्योंकि वो अडॉप्शन वैलिड इट विल बी रिकिग्नाइज बाय लॉ और उसके कुछ लीगल इफेक्ट्स या कन्सिक्वेंसिस देखने को मिलेंगे अब इट अब वो लीगल कंसिक्वेंस या इफेक्ट्स क्या होते हैं वो सेक्शन ट्वेल्व में लिखे गए हैं सो सेक्शन ट्वेल्व ये बोलता है कि जब एक वैलिड अडॉप्शन हो जाती है एज़ पर सर्टन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट तो उसका ये इफेक्ट रहेगा सबसे पहला इफेक्ट ये रहेगा कि जो अडोप्टिड चाइल्ड है दैट चाइल्ड विल सीज टू बी अ चाइल्ड ऑफ हिज नैचुरल फैमिली एंड विल बी ट्रांसप्लांटेड टू द फैमिली ऑफ हज अडोपशन अडोप्टिव पेरेंट्स को वो बच्चा दे दिया जाएगा और कहने का मतलब है कि दिस चाइल्ड इज अप्रूटेड फ्राम हिज फैमिली ऑफ बर्थ जहाँ पर एक बच्चे का बर्थ हुआ है वहाँ से उसको निकाल लिया जाएगा अप्रूट कर लिया जाएगा एंड हिल भी ट्रांसप्ल्ट्रांसफर्ड टू हिज अडोप्टिव पेरेंट्स उनको दे दिया जाएगा फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पेज अब वही उसके पेरेंट्स हैं नेचुरल पेरेंट्स हैं कहने का मतलब है कि ऑल हिज टाइज जितने भी टाइज थे उसकी फैमिली ऑफ बर्थ के साथ दे शैल बी डीम्ड टू बी सेवर्ड हम ये मान लेंगे कि हर एक टाई ब्रेक हो चुका है हर एक टाई टूट चुका है उस बच्चे का अडॉप्टेड चाइल्ड का विद द फैमिली ऑफ इज बर्थ जो उसके नेचुरल पेरेंट्स थे और उसको ट्रांसफर कर दिया और वो टाइज जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे विद न्यू टाइज विच ही विल क्रिएट वंस ही टू हिज अडॉप्टिव फैमिली आई होप दिस इफेक्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू अब वही उसके नेचुरल पेरेंट्स थे वो उसके नेचुरल गार्जियंस थे बट क्योंकि अब उसके पेरेंट्स जो है फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस अडॉप्टिव पेरेंट्स बन चुके हैं तो जो राइट ऑफ गार्डियनशिप होता है नेचुरल पेरेंट्स का बायोलॉजिकल पेरेंट्स का दैट विल ऑल्सो सीज विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अडोप्शन एज सुन एज जिस दिन जिस टाइम पे एक वैलिड अडोप्शन हो जाती है उन पेरेंट्स का जो राइट ऑफ गार्जियनशिप होता है दैट इज स्नैच्ड उनसे ले लिया जाता है और ये राइट right किसको मिल जाता है अडोप्टिव पेरेंट्स को इट मीन्स ये जो अडोप्टिड चाइल्ड हैं दिस चाइल्ड इज डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ अडोप्टिव पेरेंट्स फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस मान लिया जाएगा कि ये उनका बच्चा है और उस बच्चे का गई जो लीगल स्टेटस होता है इट इज़ एट पार विध द नेचुरल बॉर्न चाइल्ड मान लिया जाएगा कि जो अडोप्टिव पेरेंट्स हैं वही उसके नेचुरल पेरेंट्स हैं बायोलॉजिकल तो नहीं कहेंगे लेकिन नेचुरल पेरेंट्स कह सकते हैं कि लॉ के नजरिए में अब जो पेरेंट्स हैं वो वही अडोप्टिव फादर एंड मदर उसके नेचुरल पेरेंट्स है। हैं वही उसके नेचुरल गार्जियंस हैं जो उसका ध्यान रखेंगे और इस बच्चे का स्टेटस इज एट पार विद नेचुरल बॉर्ड चाइल्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है जो हक जो आधिकारिक फैमिली में नेचुरल बॉर्न चाइल्ड का होता है वही उसको मिलता है हिज स्टेटस इज एट पार इज इक्वल टू दैट ऑफ अ नेचुरल बॉर्न चाइल्ड एज इफ इस बच्चे का बर्थ एक्चुअल में इसी फैमिली में हुआ था ये मान लिया जाएगा अब अगर हम कहते हैं कि उसका स्टेटस इज एट पार इज इक्वल विद दैट ऑफ अ नेचुरल बॉर्ड चाइल्ड इसका मतलब क्या है इज इन मैटर्स रेगुलेटिंग अडोप्शन राइट मेंटेनेंस और वी कैन से इनहेरिटेंस और सक्सेशन हर एक मैटर में जो हक एक बच्चे का था उनका अगर नेचुरल वो होता तो वही होगा अब अगर फैमिली में मेंटेनेंस प्रोवाइड होगी तो जिस तरीके से बाकी बच्चों को होगी इस अडॉप्टेड चाइल्ड को भी उसी तरीके से मेंटेन किया जाएगा उसका ध्यान रखा जाएगा उसका भी और उसकी प्रॉपर्टी का भी कल को फॉर एग्जांपल उसकी अडॉप्टिव फैमिली में कोई पार्टीशन होती है या किसी की वसीयत लिखी जाती है वसीयत ओपन होती है और फॉर इंस्टेंस कोई सक्सेशन होती है तो वो बाकी जिन बच्चों को जो बाकी को पार्सनर्स का अधिकार है वही शेयर इसको भी मिलेगा ही विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एट ऑल क्योंकि ही इज एट बार विद द नेचुरल बॉन्ड चाइल्ड

अब कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहला प्रोविजन ये कहता है कि अगर उस बच्चे की अडॉप्शन ना हुई होती और वो अडॉप्टिव फैमिली में ना आता अपनी नेचुरल फैमिली में रहता फैमिली ऑफ इस बर्थ में होता तो उस फैमिली में रहते हुए जिस इंसान से वो शादी नहीं कर सकता था एज पर डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और स्पेंडर रिलेशनशिप इफ़ यू रिमेंबर हिंदू मारिज एक्ट तो उस इंसान से वो अडोप्शन के बाद भी शादी नहीं कर सकता वैसे तो एज ए जनरल रूल सारे टाइज ब्रेक हो जाते हैं सारे टाइज सेवर हो जाते हैं और आपके नए टाइज बन जाते हैं बट सेक्शन टन वन ये कहता है कि दी ओनली टाई विच ही विल रिटेन इज दैट जिस इंसान से वो पहले शादी नहीं कर सकता था अडोप्शन से पहले उससे वो अडोप्शन के बाद भी शादी नहीं कर सकता दिस इज फर्स्ट प्रोविजो सेकंड हमारे पास प्रोविजन ये आता है गाइस कि अगर एक बच्चा अडॉप्टेड चाइल्ड है उसको अडॉप्शन से पहले उसकी फैमिली ऑफ बर्थ से कोई प्रॉपर्टी मिली है क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब उसकी है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है वैसे इंटरेस्ट का मतलब होता है डेफिनेट इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो सेपरेट आपका होता है इंडिपेंडेंट एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन सपोज उस फैमिली में उसकी फैमिली ऑफ बर्थ में कोई पार्टीशन हुई वैल ही वॉज देयर इन हिज फैमिली तो वो पार्टीशन के बाद हर इंसान को अपना हिस्सा मिल गया अब वो जो हिस्सा आपको मिला वो शेयर आपका सेपरेट शेयर है डेफिनेट शेयर है एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन वो ऊपर नीचे नहीं होगा वो डेफिनेट शेयर है तो क्योंकि वो डेफिनेट है वो आपका इनडिफिजिबल राइट right है उसके ऊपर उसका सिर्फ और सिर्फ उस पर आपका हक है किसी और का नहीं है तो वो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है अगर अडॉप्शन से पहले किसी बच्चे का ऐसा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था Of his. वो उसका आपको इस प्रॉपर्टी को आगे पार्ट में डिवाइड करना है बट जब वो प्रॉपर्टी अपने साथ लेके आएगा में गाइस That property will be subject to certain obligations. अगर उस प्रॉपर्टी पे ऑब्लिगेशन है कि उस प्रॉपर्टी से उसने किसी को मेंटेन करना था इन द फैमिली ऑफ हिज बर्थ तो वो ऑब्लिगेशन उसके साथ आएगी जब राइट्स आते हैं आपके साथ तो ऑब्लिगेशन भी साथ में आती है व्हेन यू हैव कैरीड दैट राइट ऑफ योर्स इनडिफिजिबल राइट ऑफ यॉर्स टू दैट प्रॉपर्टी तो उस राइट right के साथ आप ऑब्लीगेशन भी साथ में लेके आए हो इफ़ एनी एज एन ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई ऑब्लिगेशन थी आपकी तो आपको वो पूरी करनी होगी ऑब्लीगेशन फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस आपको आपकी फैमिली ऑफ बर्थ में अगर किसी को मेंटेन करना था अगर आप उस फैमिली में रहते होते प्रायर टू अडॉप्शन तो आपको अडॉप्शन के बाद भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा राइट एंड ऑब्लीगेशन दे गो हैंड इन हैंड और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है वो इसी से रिलेटेड है कि जैसे एक बच्चे के पास वेस्टेड इंटरेस्ट था प्रायर टू अडॉप्शन अडॉप्शन के बाद भी इन हिज अडॉप्टिव फैमिली कैन डाइवेस्ट दिस चाइल्ड अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ इज वेस्टेड इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी उसी तरीके से गाइज अगर अडॉप्शन के पहले उसकी अडोप्टिव फैमिली में पार्टीशन हो चुकी है फॉर एग्जाम्पल उसके दो तीन ब्रदर सिस्टर्स और हैं सपोज़ वो ब्रदर सिस्टर्स के पास ऑलरेडी पार्टीशन के पहले प्रॉपर्टी आ चुकी है और उसकी अडोपशन बाद में हुई है तो अपनी अडोप्शन के बाद ही कैन नॉट डाइवेस्ट दोज चिल्ड्रन ऑफ़ देयर प्रॉपर्टी क्योंकि वो उनका वैसड इंटरेस्ट है वो उनका सेपरेट एंड डेफिनेट शेयर है विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन का मतलब ये होता है कि सपोज़ फैमिली में कोई बर्थ होता है फैमिली में कोई अडोप्शन होती है या फैमिली में कोई मैरिज होती है तो किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं होता वो फ्लक्चुएट नहीं होगी जिस मर्जी का बर्थ हो जिस मर्जी की डेथ हो जिस मर्जी की अडॉप्शन हो या मैरिज करके कोई फैमिली में एंटर होता है क्योंकि वो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है जिस तरीके से इस बच्चे से उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं ले सकता यू नो आफ्टर हिज अडॉप्शन उसी तरीके से आफ्टर ही गेट्स ट्रांसप्लांटेड इंटू हिज एडोप्टिड फैमिली वो भी किसी का हक उनसे नहीं ले पाएगा उसकी अडॉप्शन के बाद स्टेटस इज एट पार विद नेचुरल बॉर्न चिल्ड्रन फिर जो उनको शेयर मिलेगा वो इसको भी मिलेगा लेकिन अगर, अगर अडोप्शन से पहले कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटल हो चुकी है तो उसमें से दिस अडोप्टेड चाइल्ड के नॉट डाइवेस्ट दो चिल्ड्रन ऑफ देर वेस्टेड इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी आई होप गंग क्लियर टू यू कैसे जो प्रोविज़ो है सेक्शन 12 के इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि क्योर्स नहीं होना चाहिए कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए अदरवाइज गाइज दिस थिंग विल बिकम अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ लिटिगेशन हर रोज कोर्ट में नए केसेज आएंगे इस चीज को लेके तो जो चीज़ ऑलरेडी एक बार सेटल हो चुकी है अडोप्शन के पहले वो उसी तरीके से इंटैक्ट रहेगी स्टेटस को स्टेटस मेंटेन्ड रहेगा अडॉप्शन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा इसीलिए इसको सेक्शन ट्वेल्व के प्रोविजो में डाला गया है। आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू स्टिल गाइज इफ है कॉमेंट बॉक्स आई बी ट्राइंग टू रिप्लाई टू ऑल डाउट्स एंड क्वारिज की बाय